हे गाइस, ऑलराउंडर एक्सप्लेनर में आज फिर से एक साउथ कोरियन मास्टरपीस मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है साउथ कोरिया के 1981 में हुए ब्यूरिम केस के ऊपर, जिसमें एक मिलिट्री ऑफिसर ने जबरदस्ती ही 22 स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके उन्हें टॉर्चर किया था। क्यों, क्या और कैसे, ये सभी हम जानेंगे इस एक्सप्लेनेशन में। तो बिना ज्यादा बात किए चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7। 92% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है एंड रॉटन टोमेटोज पर इट्स 75% फ्रेश। ये मूवी कोरिया की बेस्ट सेलिंग मूवी की लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है। तो कहानी शुरू होती है बुसान में, 1978 का समय था। हम एक सॉन्ग नाम के बंदे को देखते हैं। सॉन्ग एक लॉयर था और सॉन्ग अपना सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल पास करके ही वो लॉयर बन गया था। उसने हाई स्कूल पास करने के बाद ही अपना बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया था। बेसिकली जो बंदे लॉयर बनना चाहते हैं उन्हें उससे पहले बार एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है और बार एग्जाम को क्लियर करने के लिए उन्हें उससे पहले ग्रेजुएशन वगैरह करना पड़ता है। लेकिन सॉन्ग ने अपना हाई स्कूल पास करके ही बार एग्जाम क्लियर कर लिया था और ये एक वजह थी जिसकी वजह से बाकी के और लॉयर्स उससे थोड़ा जेलस भी फील किया करते थे। सॉन्ग काउंसलर किम से मिलने के लिए आया था। सॉन्ग काउंसलर किम से मिलकर उन्हें बताता है कि उसने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया है और वो अब एक रियल स्टेट का बिजनेस खोलना चाहता है जिसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। तो वो काउंसलर किम से कुछ पैसे उधार मांगता है और काउंसलर किम भी उसे पैसे दे देते हैं। वो उन पैसों की मदद से अपना बिजनेस कार्ड बनवाता है और वो खुद ही लोगों के पास जाकर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद वो अपना एक ऑफिस भी रेडी करता है। देखते ही देखते लोग उसके ऑफिस में आना स्टार्ट कर देते हैं और उसका बिजनेस ग्रो हो जाता है। उसके ऑफिस में काफी ज्यादा लोग आने लगे थे तो वो उन सभी को अकेले हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए वो एक ली नाम के बंदे को अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लेता है। सॉन्ग का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और उसने अब बहुत सारे पैसे भी कमा लिए थे। सॉन्ग अभी तक एक छोटे से घर में रह रहा था जहाँ पर बहुत सारे चूहे भी थे। तो वो अपने वाइफ से कहता है कि क्यों ना हम लोग एक अच्छे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अब उनके पास पैसे हैं। नेक्स्ट डे सॉन्ग अपार्टमेंट खरीदने के लिए एक लेडी के पास जाता है। सॉन्ग उस लेडी से कहता है कि उसे उसका अपार्टमेंट खरीदना है। वो लेडी बताती है कि उसका अपार्टमेंट बिकाऊ नहीं है, वो अपार्टमेंट नहीं बेचना चाहती। वो लेडी बताती है कि उसके जस्ट नीचे वाला ही अपार्टमेंट खाली है, तुम उसे जाकर खरीद सकते हो। लेकिन सॉन्ग उस लेडी का ही अपार्टमेंट खरीदना चाहता था। सॉन्ग उसे 25,000 won ऑफर करता है और जबकि उसके नीचे वाला अपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 5,000 won में ही मिल रहा था। वो लेडी इतने ज्यादा पैसे सुनकर अपना अपार्टमेंट बेचने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो सॉन्ग से पूछती है कि तुम इतने ज्यादा पैसे देकर ये अपार्टमेंट ही क्यों खरीदना चाहते हो। तो यहाँ पर सॉन्ग अपनी स्टोरी बताता है और यहाँ पर मूवी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल एक समय ऐसा भी था जब सॉन्ग के पास जरा भी पैसे नहीं हुआ करते थे। सॉन्ग पैसों को जुटाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया करता था और वो इसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था। मतलब सॉन्ग ने अपने हाथों से ही इस अपार्टमेंट को तैयार किया था। अपार्टमेंट में काम करने पर उसे जो भी पैसे मिले थे वो उन पैसों को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां पर उसकी वाइफ ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। उन पैसों से ही सॉन्ग हॉस्पिटल का बिल वगैरह पे करता है। सॉन्ग के पास अब बिल्कुल थोड़े पैसे ही बचे हुए थे। वो रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था। सॉन्ग अक्सर ही उस रेस्टोरेंट से खाना खाया करता था तो उसके ऊपर बहुत सारे उधार थे। रेस्टोरेंट की ओनर मिसेस सो सॉन्ग से उसका बिल पे करने के लिए बोलती हैं क्योंकि उन्हें बचर्स को पैसे देने थे। सॉन्ग के पास बहुत थोड़े से पैसे ही बचे हुए थे तो वो रेस्टोरेंट का बिल पे किए बिना ही रेस्टोरेंट से भाग जाता है। रेस्टोरेंट से भागकर वो उन बचे हुए पैसों से अपनी किताबें खरीदता है और फिर इसके बाद की स्टोरी आप समझ ही गए होंगे। तो ये थोड़ा सा फ्लैशबैक था। इसके बाद वापस से स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। सॉन्ग अब अपने परिवार के साथ उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था। सारा सामान सेटअप हो रहा था तभी सॉन्ग की वाइफ की नजर एक दीवार पर जाती है जहाँ पर किसी ने स्क्रैच करके नेवर गिव अप लिखा हुआ था। दरअसल ये सॉन्ग ने ही लिखा था जब वो इस अपार्टमेंट को बना रहा था। रात का समय होता है, सॉन्ग अपनी फैमिली को लेकर मिसेस सो के रेस्टोरेंट में ही खाना खाने के लिए पहुंच जाता है। वहां पर सॉन्ग मिसेस सो को सारी पुरानी बातें याद दिलाता है कि किस तरह वो बिना बिल को पे किए ही उनके रेस्टोरेंट से भाग गया था। बात काफी पुरानी हो गई थी तो मिसेस सो को पहले याद नहीं आता है, लेकिन बाद में उन्हें सब कुछ याद आ जाता है सॉन्ग के बारे में। उन्हें जब पता चलता है कि सॉन्ग अब एक वकील बन चुका है तो उन्हें काफी खुशी होती है। सॉन्ग उन्हें उनका उधार लौटाता है लेकिन मिसेस सो लेने से मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि तुम मुझसे मिलने आए मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सॉन्ग इमोशनल हो जाता है और मिसेस सो को गले लगा लेता है। सॉन्ग का बिजनेस स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा चला लेकिन अब धीरे धीरे करके उसका बिजनेस स्लो हो रहा था क्योंकि बाकी के लॉयर्स ने भी रियल इस्टेट का बिजनेस खोल लिया था सॉन्ग को देखकर। सॉन्ग ली के साथ बैठकर दिमाग लगाता है और वो लोग सोचते हैं कि उन्हें
अब कोई दूसरा बिजनेस भी करना चाहिए। सॉन्ग को टैक्स के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, तो ये दोनों सोचते हैं कि रियल इस्टेट के साथ साथ इन लोगों को टैक्स के काम भी करना चाहिए। ये दोनों बैठ कर बात कर रहे थे तभी इन दोनों को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। सॉन्ग अर्ली जब विंडो से बाहर देखते हैं तो बाहर बहुत सारे वकील थे जो कि सॉन्ग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उन सभी का कहना था कि सॉन्ग की वजह से ही बहुत सारे वकील रियल इस्टेट का बिजनेस करने लगे हैं। सॉन्ग उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे, तो सॉन्ग उन लोगों को समझाने के लिए नीचे जा रहा था तभी वो एक धुआं फैलता हुआ देखता है और एक आदमी जिसने मास्क पहन रखा था वो सॉन्ग की तरफ बढ़ता है। सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर मूवी शिफ्ट हो जाती है 3 साल बाद 1981 के समय में, जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि जुनसू नाम के इंस्पेक्टर को मेडल दिया जा रहा है। इसके बाद जुनसू अपने कुछ बड़े ऑफिसर्स के साथ बैठकर डिनर करता है जहाँ पर उसके सीनियर उसे एक मिशन देते हैं बुसान से सारे कम्युनिस्ट का सफाया करने का। मीनवाइल हम सॉन्ग को देखते हैं। सॉन्ग अब एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था, उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। वो अपने कुछ पुराने दोस्तों को लेकर मिसेस सो के रेस्टोरेंट पर आता है पार्टी करने के लिए। रेस्टोरेंट में बैठकर फिर वो अपने सारे दोस्तों को अपनी बातें बताता है कि किस तरह वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। उन सभी में से एक बंदा जिसका नाम पार्क था उसे सॉन्ग की बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो रेस्टोरेंट में रखी हुई टीवी को ऑन कर लेता है और न्यूज देखना स्टार्ट कर देता है। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पार्क स्टूडेंट्स के सपोर्ट में था, उसे लगता था कि जो भी ये बच्चे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं क्योंकि ऐसे करप्ट लॉ को सुधारने की जरूरत है। इस बात पर सॉन्ग पार्क को जवाब देता है कि तुम इन छात्रों का साथ कैसे दे सकते हो जबकि ये छात्र कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इन छात्रों को इनके पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए भेजा था लेकिन देखो ये लोग जाकर वहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसी बात को लेकर पार्क और सॉन्ग में बहस हो जाती है और फिर इन दोनों की लड़ाई भी हो जाती है जिसके बाद रेस्टोरेंट में थोड़ी तोड़फोड़ हो जाती है। पार्क के दोस्त और मिसेस सो इन दोनों की लड़ाई को रोकते हैं और फिर पार्क के दोस्त उसको वहां से लेकर चले जाते हैं। सॉन्ग को थोड़ी चोट आ गई थी तो मिसेस सो उसके चोट पर दवाइयां लगा रही थी। फिर उसके बाद मिसेस सो अपना कुछ काम देखने के लिए अंदर चली जाती है। तब सॉन्ग मिसेस सो के बेटे जिन से पूछता है कि कहीं तुम तो प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते ना, क्योंकि ये प्रोटेस्ट वगैरह बहुत ही गलत चीज है। सॉन्ग को ऐसा लगता था कि ये प्रोटेस्ट वगैरह करना कानून के उल्लंघन करना जैसा है। इस पर जिन सॉन्ग को जवाब देता है कि ऐसे करप्ट लॉ को सुधारने के लिए प्रोटेस्ट की जरूरत है। सॉन्ग जिन को समझाने लगता है कि प्रोटेस्ट करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। सॉन्ग जिन को कुछ भली बुरी बातें भी बोल देता है जिसे मिसेस सो सुन लेती हैं, जिसके बाद वो सॉन्ग को अपने रेस्टोरेंट से भगा देती हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं कि रात का समय था और जिन कुछ लड़कियों को ट्यूशन दे रहा था। तभी उस रूम में जुनसू नाम का इंस्पेक्टर पहुंच जाता है और वो जिन से उसकी जान पहचान पूछने लगता है। जिन कुछ भी नहीं बताता। तभी उस रूम में एक और बंदा आ जाता है और वो जिन से भागने के लिए बोलता है। जिन वहां से फौरन ही भागता है लेकिन जुनसू के एजेंट्स जिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे जबरदस्ती ही अरेस्ट करके ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात काफी ज्यादा हो गई थी। मिसेस सो अपने बेटे जिन का घर पर इंतजार कर रही थी लेकिन उनका बेटा जिन घर लौटता ही नहीं है। कुछ दिनों के बाद हम लोग जिन को देख पाते हैं। उसे बहुत ही ज्यादा चोट आई हुई थी। जुनसू के एजेंट्स ने उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मारा हुआ था और टॉर्चर भी किया था। सॉन्ग काफी दिनों के बाद जब वापस रेस्टोरेंट पहुंचता है तो उसे रेस्टोरेंट बंद मिलता है। आसपास के लोगों से उसे पता चलता है कि मिसेस सो का बेटा जिन गायब हो चुका है और उसी की तलाश में मिसेस सो इधर उधर भटक रही हैं। सॉन्ग ऑफिस आकर ली से ये सारी बातें बताता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे बहुत सारे कनेक्शन हैं तो तुम जिन के बारे में कुछ पता करने की कोशिश करो। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद ली एक बंदे से मिलता है और वो उससे जिन के बारे में कुछ पूछताछ करता है। वो बंदा जिन के बारे में उसे बताता है कि जिन एक कम्युनिस्ट के केस में फंस चुका है और वो ली को सलाह देता है कि तुम इस केस से दूर ही रहो क्योंकि इस केस में बहुत ही बड़े बड़े ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट डे सॉन्ग जब अपने ऑफिस में आ रहा था तो उसे सीढ़ियों पर मिसेस सो बैठी हुई मिलती है। सॉन्ग उन्हें ऑफिस के अंदर ले आता है जहाँ पर मिसेस सो उसे एक नोटिस दिखाती है जो कि कल रात ही उनके घर पर आया था। वो नोटिस था जिन के ट्रायल का, मतलब जिन जेल में था और उसका ट्रायल 2 दिन बाद था। मिसेस सो बताती है कि वो जिन से मिलने के लिए जेल गई थी लेकिन उन लोगों ने उन्हें नहीं मिलने दिया। सॉन्ग का कहना था कि गार्जियन को पूरा हक होता है कैदी से मिलने का, फिर क्यों नहीं मिलने दिया। मिसेस सो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद करो जिन को बाहर निकालने में। तभी ली ऑफिस में आकर बताता है कि उन दोनों को एक बहुत ही बड़ी मीटिंग में जाना है। सॉन्ग मिसेस सो से वादा करता है कि मीटिंग से लौटने के बाद वो लोग जिन से मिलने के लिए जरूर
दूर जाएंगे। मिसेस सू जिन से उसी टाइम मिलना चाहती थी वो सॉन्ग को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन सॉन्ग को जाना पड़ता है। मीटिंग के प्लेस पर पहुँच कर ली सॉन्ग को बता देता है कि जिन कम्युनिस्ट के केस में फंस गया है। ये बात सुनने के बाद सॉन्ग का मन मीटिंग में जरा भी नहीं लगता। मीटिंग खत्म करके सॉन्ग फौरन ही मिसेस सो के घर पर जाता है लेकिन वो घर पर नहीं थी। सॉन्ग उनके घर के बाहर ही बैठकर उनका वेट करता है। सॉन्ग को वहाँ बैठे बैठे रात हो जाती है और फाइनली मिसेस सो वहाँ पर आती है। वो सॉन्ग को देख कर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो उनकी मदद करने के लिए उनके पास दोबारा लौट आया था। अगले दिन सॉन्ग मिसेस सो को लेकर जेल जाता है। जेलर सॉन्ग को बेवकूफ बनाने लगते हैं कि विजिटर रूम में रिपेयरिंग का काम चल रहा है लेकिन सॉन्ग एक वकील था, उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। सॉन्ग वहाँ पर जेलर से लड़ने लगता है। दूसरे जेलर मिन नाम के लॉयर से फोन करके परमिशन लेता है जिसके बाद इन दोनों को जिन से मिलने की परमिशन दे दी जाती है। तो फाइनली तकरीबन 2 महीने के बाद मिसेस सो अपने बेटे जिन से मिलती है। जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसे इतना मारा गया था कि वो अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो अपने मॉम को देखकर रोने लगता है और उन्हें गले लगा लेता है। जिन जब अपनी माँ से गले लगता है तो उसे उसके पीठ पर दर्द महसूस होता है और सॉन्ग जब उसके शर्ट को उठाकर देखता है तो उसके पीठ पर बहुत ज्यादा निशान पड़े हुए थे चोट के। मिसेस सो ये देखकर बिल्कुल से गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ पर मौजूद जेलर पर हमला कर देती है जिसके बाद बहुत सारे गार्ड वहाँ पर आ जाती है और वो लोग जिन को वहाँ से ले जाते हैं। जिन के ट्रायल में सिर्फ एक दिन ही बचा हुआ था। सॉन्ग रात भर जाग कर जिन के केस की स्टडी करता है। अगली सुबह वो काउंसलर किन के घर पर पहुँच कर उन्हें बताता है कि वो जिन का केस लड़ेगा। किम उसे समझाते हैं कि ये फैसला तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी में कर रहे हो क्योंकि ये केस बहुत ही ज्यादा सीरियस है, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में तुम्हें अपने कदम पीछे हटाने पड़े। सॉन्ग काउंसलर किम से वादा करता है कि वो बीच में इस केस को छोड़कर नहीं जाएगा और वो अपने कदम भी पीछे नहीं हटाने वाला है। इसके बाद सॉन्ग कोर्ट पहुँचता है जहाँ पर ट्रायल शुरू होता है। सॉन्ग के अगेंस्ट जो लॉयर था उसका नाम था मिन। मिन जज को बताता है कि जिन और बाकी के 8 लड़के 8 मार्च 1981 से इनके पकड़े जाने तक 13 गैदरिंग कर चुके थे एक बुक क्लब में। क्लब में बैठकर ये लोग कुछ बुक्स के द्वारा कम्युनिस्ट और एंटी नेशनल को बढ़ावा दे रहे थे। मिन लड़कों के द्वारा लिखित स्टेटमेंट भी जज को देता है। उस स्टेटमेंट में लड़कों ने अपने सारे गुनाहों को कबूल किया था कि हाँ वो लोग कम्युनिस्ट को बढ़ावा देते हैं और वो लोग नॉर्थ कोरिया के कम्युनिस्ट हैं। जज उस स्टेटमेंट को देखते हैं और सभी लड़कों से सवाल करते हैं कि क्या तुम लोगों ने अपने हाथों से ये स्टेटमेंट लिखा है। जज के पूछने पर वो लोग हाँ बोल देते हैं क्योंकि उन लोगों ने ही उस स्टेटमेंट को लिखा था लेकिन बहुत ही मजबूरी में, वो हम लोग आगे जान जाएंगे। जज स्टेटमेंट को एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं और आज की सुनवाई यहीं पर खत्म हो जाती है। सॉन्ग अब अपने ऑफिस में था, वहाँ पर ली आता है। ली ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि सॉन्ग ने जिन का केस ले लिया है। ली सॉन्ग को समझाने की कोशिश करता है कि इससे तुम्हारे बिजनेस पर असर पड़ेगा, तुम एक काफी सक्सेसफुल मैन बन चुके हो, तुम्हें ये केस लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम इस केस को छोड़ दो। लेकिन सॉन्ग अब किसी भी हालत में पीछे नहीं हटने वाला था। अगले दिन दूसरी सुनवाई शुरू होती है। मिन कोर्ट में एक बुक जिसका नाम था व्हाट इज हिस्ट्री और उसके राइटर जिनका नाम था CH कार को पेश करता है। मिन का कहना था कि ये लड़के गैदरिंग करके इसी बुक को पढ़ा करते थे और इस बुक में एक कम्युनिस्ट थ्योरी है, उस थ्योरी को ही ये लोग पढ़कर और उसी थ्योरी को ये लोग और आगे शेयर कर रहे थे और कम्युनिस्ट जैसी भावनाओं को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। सॉन्ग जब उस राइटर को क्रॉस एग्जामिन करता है तो उस राइटर की सारी पोल खुल जाती है क्योंकि वो राइटर असली राइटर था ही नहीं। दरअसल व्हाट इज हिस्ट्री बुक के असली राइटर एक ब्रिटिशर थे और वो ये बात प्रूफ कर देता है उस राइटर की तरफ से आए एक टेलीग्राम के थ्रू। सॉन्ग राइटर के द्वारा आए टेलीग्राम को जज को दिखा देता है जिसके बाद ये प्रूफ हो जाता है कि उस बुक के राइटर एक ब्रिटिशर है और वो बुक किसी भी कम्युनिस्ट भावनाओं को बढ़ावा नहीं देती है। इसी के साथ आज की सुनवाई खत्म हो जाती है और इस सुनवाई के बाद मिन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। अगली सुनवाई से पहले सॉन्ग जिन से मिलकर उससे पूछता है कि वो लोग तुम्हें किस जगह पर ले गए थे जहाँ पर उन लोगों ने तुम्हें टॉर्चर किया था। जिन बताता है कि वो लोग उसे एक पुरानी सी बिल्डिंग में ले गए थे और उसे वहाँ पर फॉग हॉर्न की आवाज सुनाई दिया करती थी। सॉन्ग लोगों से पूछते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जिन को टॉर्चर किया गया था। यहाँ पर हम लोग फ्लैशबैक देख पाते हैं कि किस तरह से जून सू और उसके एजेंट्स ने जिन को टॉर्चर करके उससे झूठा स्टेटमेंट जबरदस्ती ही लिखवाया गया था। सॉन्ग उस जगह से निकल रहा था तभी वहाँ पर जून सू आ जाता है और वो सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा मारता है। सॉन्ग उसे बताता है कि वो एक लॉयर है, तब जाकर जून सू रुकता है। अगली सुनवाई में सॉन्ग जिन का बयान लेता है और वो पूछता है जब तुम जेल गए थे तो तुम्हारा वेट कितना था। जिन बताता है कि 64 था लेकिन जिनका करंट वेट 53 हो गया था। सॉन्ग कहता है कि क्या जेल में तुम्हें खाना नहीं मिलता था। इस सवाल पर जिन सब कुछ बताता है
है कि ऐसे तो उसे खाना दिया जाता था, लेकिन जिस दिन उसे वो लोग टॉर्चर करते थे उस दिन उसे खाना और पानी दोनों ही नहीं मिल पाता था। यहाँ पर हम लोग फिर से एक फ्लैशबैक देख पाते हैं। जुनसू ने लड़कों को टॉर्चर करके उनसे गलत स्टेटमेंट लिखवाया था, और जब वो स्टेटमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता था तो वो उन सभी को और भी ज्यादा मारता और टॉर्चर करता था। कोर्ट में जितने भी लोग थे वो सभी रोने लगते हैं जिनका बयान सुनकर, और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो इंसाफ की मांग करने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से निकाल दिया जाता है। सॉन्ग जज से जुनसू को टेस्टिफाई करने की परमिशन मांगता है, जज परमिशन दे देते हैं और इसी के साथ आज की सुनवाई खत्म हो जाती है। कोर्ट में हुई बातों को पार्क न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा देता है, जिसके बाद लोग सॉन्ग पर ही गुस्सा हो जाते हैं। तो उन लोगों को लग रहा था कि सॉन्ग कम्युनिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए वो लोग सॉन्ग पर ही भड़कने लगे थे। अगले दिन जब सॉन्ग कोर्ट पहुंचता है तो लोग उस पर अंडे से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका कोट खराब हो जाता है। तो वो वॉशरूम में उसे साफ करने के लिए जाता है, जहां पर उसे पार्क मिल जाता है और पार्क उसे अपना कोट और शर्ट दे देता है। रेडी होकर जब सॉन्ग कोर्ट रूम की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इस बार कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। वो लोग झूठ बोल रहे थे कि कोर्ट के अंदर जगह नहीं है। सॉन्ग कोर्ट रूम के अंदर जाता है और आज की सुनवाई शुरू हो जाती है। सॉन्ग जुनसू से सबसे पहला सवाल ये करता है कि क्या तुमने स्टूडेंट्स को अरेस्ट वारंट दिखाकर उन्हें गिरफ्तार किया था। इस पर जुनसू जवाब देता है कि नेशनल सिक्योरिटी के केसेस में थोड़ा अलग होता है, सस्पेक्ट को बिना वारंट दिखाए ही अरेस्ट किया जा सकता है। सॉन्ग दूसरा सवाल करता है कि तुमने स्टूडेंट्स को 2 महीने तक अपनी कस्टडी में कैसे रखा। जुनसू सॉन्ग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें पहले नेशनल सिक्योरिटी लॉ के बारे में थोड़ी स्टडी कर लेनी चाहिए। फिर वो बताता है कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ के मुताबिक सस्पेक्ट को कम से कम 15 दिनों तक डिटेन किया जा सकता है, तो इसी के मुताबिक उसने उन सभी स्टूडेंट्स को 2 महीने तक अपनी कस्टडी में रखा था। सॉन्ग जुनसू से तीसरा सवाल करता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और ऐसा सबूत है जिससे ये स्टूडेंट्स कम्युनिस्ट साबित हो सके। जुनसू कहता है कि इन लड़कों ने खुद ही कन्फेशन किया है कि ये लोग कम्युनिस्ट हैं और ये एविडेंस काफी है। और वो ये भी कहता है कि वो पिछले 13 सालों से ये काम कर रहा है, वो लोगों को देखकर ही पहचान जाता है कि कौन कम्युनिस्ट है और कौन कम्युनिस्ट नहीं है। यहाँ पर सॉन्ग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि कुछ लड़के बुक क्लब में बैठकर स्टडी कर रहे थे और तुमने उन लोगों को देखा और उन्हें कम्युनिस्ट घोषित कर दिया, ऐसे तो तुम्हारी नजर में हम सब भी कम्युनिस्ट हुए। इसके बाद दोनों में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं और बहुत सारी बहस भी होती है। सॉन्ग अपना आखिरी सवाल पूछता है कि क्या तुमने इन लड़कों को टॉर्चर किया था। जुनसू साफ साफ झूठ बोल देता है कि उसने इन लड़कों को टॉर्चर नहीं किया था। सॉन्ग गुस्से में आ जाता है और वो जुनसू से सच बोलने के लिए कहता है, लेकिन जुनसू यहाँ पर सच नहीं बोलता। तो जुनसू के झूठ बोलने की वजह से सॉन्ग कुछ भी साबित नहीं कर पाता है। जज फाइनल ट्रायल की डेट 2 दिन बाद घोषित कर देते हैं और आज की सुनवाई यहीं पर खत्म हो जाती है। जुनसू बड़े ही आसानी से बचकर निकल जाता है। इसके बाद सॉन्ग कोर्ट से निकलकर जब ऑफिस पहुंचता है तो उसे उसके ऑफिस में सारे सामान फैले हुए मिलते हैं। ली बताता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर तोड़फोड़ की है। इसके बाद सॉन्ग जब अपने घर जाता है तो सॉन्ग की वाइफ उसे बताती है कि उसे एक फोन कॉल आई थी किसी अनजान आदमी की, और वो अनजान आदमी सॉन्ग के बीवी बच्चों के बारे में सब कुछ जानता था कि सॉन्ग के बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, उनके टीचर्स और वो लोग कब स्कूल वगैरह जाते हैं, सारी बातें। रात को सोते वक्त सॉन्ग की वाइफ सॉन्ग से पूछती है कि क्या तुम इस केस को नहीं छोड़ सकते। इस बात पर सॉन्ग कुछ भी जवाब नहीं देता है। अगले दिन सॉन्ग अपने ऑफिस में था, वो विंडो से देखता है तो बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था, मतलब कोई उस पर नजर रख रहा था। अब सॉन्ग अपने ऑफिस से बाहर भी आ जा नहीं सकता था। तभी सॉन्ग के ऑफिस में एक डिलीवरी बॉय आता है। सॉन्ग उस डिलीवरी बॉय से कहता है कि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। डिलीवरी बॉय कहता है कि वो जानता है। वो डिलीवरी बॉय उसे एक लेटर देता है। सॉन्ग उस लेटर को पढ़ता है और उसके बाद वो उस डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनकर उसकी साइकिल की मदद से ही वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। सॉन्ग एक चर्च में पहुंचता है और वहां पर यून नाम का बंदा भी मौजूद था। दरअसल यून ने ही उस लेटर को लिखकर सॉन्ग को वहां पर बुलाया था। यून एक मेडिकल ऑफिसर था और उस समय पर यून वहां पर मौजूद था जब जुनसू ने इन सभी लड़कों को टॉर्चर किया था, और यून अब गवाही देने के लिए तैयार था। सॉन्ग ये बात जाकर फौरन ही काउंसलर किम और पार्क को बता देता है और वो उन दोनों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए बोलता है जिसमें फॉरेन रिपोर्टर्स भी होने चाहिए। तो अगला दिन फाइनल जजमेंट का दिन था। सभी लोग कोर्ट में हाजिर होते हैं और सॉन्ग यून को कोर्ट में बुलाने की परमिशन मांगता है। इस बात पर मिन ऑब्जेक्शन करता है क्योंकि इस बारे में सॉन्ग ने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। जज फॉरेन रिपोर्टर्स को देखकर थोड़ा दब जाते हैं और वो विटनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद यून कोर्ट रूम में आता है और उसे देखकर जुनसू के हाव भाव ही बदल जाते हैं। वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। मिन जज के पास आकर कहता है कि वो लोग
विटनेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन जज भी उसकी बात नहीं सुनते और वो उसे अपनी जगह पर वापस बैठने के लिए बोल देते हैं। और जुनसू यून को देखकर कोर्टरूम से बाहर भी चला जाता है। सॉन्ग के कहने पर यून अपना नाम और पहचान बताकर सब कुछ बताना शुरू करता है कि उसे स्टूडेंट के ट्रीटमेंट के लिए वहां पर रखा गया था और जुनसू और उसके डिटेक्टिव्स ने सच में लड़कों को टॉर्चर किया था। तो मतलब जब जुनसू और उसके एजेंट्स लड़कों को टॉर्चर किए थे और उनकी हालत बिगड़ जाती थी तो वो लोग उन लोगों का इलाज भी करवाते थे यून से। यून के बयान से फाइनली ये साबित हो गया था कि जुनसू और उसके एजेंट्स ने सच में इन लड़कों को टॉर्चर किया था। जज अपना फैसला सुनाने ही वाले थे और केस बिल्कुल से खत्म हो चुका था, तभी जुनसू कोर्ट रूम में वापस आता है और वो मिन को एक नोट देकर उससे कुछ बातें बताता है, जिसे सुनकर मिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मिन अब यून को क्रॉस एग्जामिन करते हुए उससे सवाल करता है कि तुम अभी अभी कहां से आ रहे हो, मतलब अपने कैंप से या किसी दूसरी जगह से। यून बताता है कि मैं अभी छुट्टी पर हूं, तो मैं अपने कैंप से नहीं आ रहा हूं। मिन कोर्ट को बताता है कि यून ने बिना परमिशन के ही छुट्टी ले रखी है। मिन ये भी बताता है कि यून ने अपनी पोस्ट 6 दिन पहले ही छोड़ दी थी और उसने छुट्टी बिना परमिशन के ही ली है। इस बात पर यून कहता है कि ये झूठ है, उसने पोस्ट छोड़ी नहीं है बल्कि उसने छुट्टी लेने के लिए अप्लाई किया था। मिन कहता है कि बाहर एमपीएस के सोल्जर यून को अरेस्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं। यून सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सोल्जर है जो अपनी पोस्ट से भागा हुआ है और अब कोर्ट में आकर झूठी गवाही दे रहा है। जज यून के स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके बाद सोल्जर्स आकर यून को पकड़ कर ले जाते हैं। सॉन्ग जज से लड़ जाता है, वो हर कोशिश करता है लेकिन अब ये लोग केस हार चुके थे। सभी लड़कों को 2 साल की जेल की सजा सुना दी जाती है। सीन यहाँ पर कट हो जाता है। सॉन्ग अब मिसेस सो के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और बहुत ही ज्यादा दुखी था। मिसेस सो से खाना सर्व करते हुए कहती हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम केस हार गए तुमने कम से कम अपनी पूरी कोशिश तो की। सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और मूवी शिफ्ट हो जाती है कुछ सालों के बाद। हम लोग सॉन्ग को देख पाते हैं, वो पूरी तरह से चेंज हो गया था। वो स्ट्रीट पर जिन काउंसलर और काफी लोगों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहा था सरकार के खिलाफ। इस प्रोटेस्ट की वजह से ही सॉन्ग को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसका केस कोर्ट तक पहुंच जाता है। सॉन्ग का केस काउंसलर लड़ते हैं और उसकी सुनवाई के दिन के 142 लॉयर्स में से 92 लॉयर्स कोर्ट में मौजूद थे सॉन्ग के सपोर्ट में। सॉन्ग इमोशनल हो जाता है ये देखकर कि उसके सपोर्ट में इतने लोग मौजूद हैं। एंड मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने मूवी के स्टार्टिंग में बताया था कि ये कहानी ब्यूरिम केस पर आधारित है, तो ब्यूरिम केस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें जो दो हॉन की परमिशन से 19 स्टूडेंट्स और कुछ ऑफिस वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया था बिना किसी वारंट के, क्योंकि सभी ने मिलकर एक गैदरिंग की थी जिसमें इन लोगों ने व्हाट इज हिस्ट्री नाम की बुक, जो कि E.H. कार के द्वारा लिखित है, उसे पढ़ा था। साउथ कोरिया के गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया था कि बुक कम्युनिज्म को बढ़ावा देती है और बुक के लेखक E.H. कार एक रशियन है जबकि E.H. कार एक ब्रिटिशर थे। और इस कहानी के जो लीड एक्टर सॉन्ग है एक्चुअली में वो कोरिया के एक्स प्रेसिडेंट हैं। तो ये कहानी रो हो ह्यून की भी सच्ची कहानी है। ब्यूरिम केस के बाद ही रो ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। उन्हें बाद में ये रियलाइज होता है कि ऐसे केसेस सिर्फ इन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के साथ ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ हो चुके हैं। रो इसके खिलाफ लड़ते हैं और आगे जाकर कोरिया के 16th प्रेसिडेंट भी बनते हैं। एनालिटिक्स में जाकर मुझे ये पता चला कि मेरे 50% सब्सक्राइबर्स ने बेल आइकन को प्रेस ही नहीं किया है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करिए। अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आऊँगी, तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।